हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्सिया मैजिक में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसके पहले इस लेसन में मैं आपको फोर्स और इनर्सिया का कंसेप्ट बता चुका हूं, मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको मिलेगा। मैं इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूं, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। हमारा फर्स्ट लॉ है, पहले आपको इसे मैं समझाता हूँ, फिर आपको डेफिनेशन बताता हूँ। फर्स्ट लॉ, जैसे हमारे न्यूटन जी ने कहा है कि जैसे कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगी, और अगर वह यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, एंड इफ इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन इट विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस अ अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इज सप्लाइड ऑन इट। ठीक, तो जैसे अगर आप यूं सोचो कि जैसे कोई पत्थर है, वो तब तक रुका रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल, कोई एक्सटर्नल फोर्स सप्लाई ना किया जाए। अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ना कम कर रहा है ना ज्यादा, तो अगर उसकी स्पीड में चेंज तब तक नहीं आएगा, जैसे 10 मीटर पर सेकंड की कॉन्टिन्यूअस स्पीड है तो इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड है, तो इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब जैसे उसकी स्पीड 10 से 9 हो जाए या 10 से 11 हो जाए, मतलब स्पीड में जो वेलोसिटी में जो चेंज है वो तब तक नहीं आएगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जाता। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बॉडी चल रही है तो हम उसके रुकने की ही बात करेंगे। अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर जाए या उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाए, ये भी बिना एक्सटर्नल फोर्स के पॉसिबल नहीं है। ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसे मैं अपने अगले वीडियो में सेकेंड लॉ से एक्सप्लेन भी करूंगा आपको। इस वीडियो में हम तीनों रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद इसके अगले वीडियो में मैं आपको सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को रिप्रेजेंट करूंगा। अब देखिए, तो फर्स्ट लॉ हमारा हो गया। एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, एंड इफ इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन देन इट विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ओके, मतलब जब तक कि देखिए कोई ऑब्जेक्ट अगर विराम में है तो विराम में ही रहेगा, एक समान गति में है तो एक समान गति में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। सेकेंड वन इंपॉर्टेंट, सेकेंड लॉ, ठीक, एकदम जबरदस्त। देखें, जैसे यहां पर कोई सरफेस है, एक कोई बड़ा ऑब्जेक्ट रखा है, एक कोई छोटा ऑब्जेक्ट रखा है। अब साफ साफ दिख रहा है इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो m1 m2 से बड़ा है। ठीक है, दोनों में आप बराबर एक्सेलरेशन लाना चाहते हो। एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर। तो अगर आप वेलोसिटी में, दोनों की वेलोसिटी में बराबर चेंज लाना चाहते हो, मतलब दोनों में बराबर एक्सेलरेशन उत्पन्न करना चाहते हो, या एक सामान्य लैंग्वेज में दोनों को आप बराबर स्पीड देना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है दोनों एक ही मटेरियल के बने हैं। ठीक है, तो जो भारी है उस पर आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, जो भारी है उसे उतनी स्पीड देने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब उतनी ही स्पीड देने के लिए अगर कोई हल्का ऑब्जेक्ट है तो उस पर हम कम फोर्स लगाएंगे, अगर कोई भारी ऑब्जेक्ट है तो उस पर हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब F इज प्रोपोर्शनल टू M, F इज प्रोपोर्शनल टू M। इसका इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि M ज्यादा होगा तो F भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, और M कम होगा तो F भी कम लगाना पड़ेगा। तो इस स्टेटमेंट को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, फॉर कॉन्स्टेंट ए मतलब एक्सेलरेशन, ए की बात, कॉन्स्टेंट ए मतलब अगर हम ए कॉन्स्टेंट ले, अगर हमारे पास कई ऑब्जेक्ट हैं, सब में हम इक्वल एक्सेलरेशन जनरेट करना चाहते हैं, तो भारी वाले पे ज्यादा फोर्स हमको लगाना पड़ेगा और हल्के वाले पर, जिसका मास कम होगा, भारी का तात्पर्य मतलब मास ले रहा हूं मैं, जिसका मास ज्यादा होगा उस पर ज्यादा फोर्स लगाएंगे, जिसका मास कम होगा उस पर कम फोर्स लगाएंगे। दूसरे वे में देखिए, सेकेंड केस क्या है हमारा, कि जैसे अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं,
दोनों के मास हम इक्वल ले रहे हैं, दोनों सेम मटेरियल के, दोनों के मास इक्वल है, ओके, उनकी प्रॉपर्टी जो है, जो पर्सनल प्रॉपर्टीज होती है, दोनों की सेम है। अब यम सेम हो गया। अब आप सोचो, एक को कम स्पीड देनी है, एक को ज्यादा स्पीड, एक में कम एक्सेलरेशन ले आना है, एक में ज्यादा एक्सेलरेशन ले आना है। तो कॉमन सेंस की बात है, जिसे कम चलाना है उस पर हम कम फोर्स लगाएंगे, जिसे ज्यादा चलाना है उस पर हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे। जैसे इसमें एक्सेलरेशन A1 लाना है, इसमें एक्सेलरेशन A2। अब मान लेते हैं कि A1 A2 से बड़ा है, तो अगर एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, त्वरण मतलब वेग परिवर्तन की दर, अर्थात वेग में जो हम चेंज ले आ रहे हैं, तो ज्यादा चेंज ले आने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कम चेंज ले आने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा। फिर वही बात कि अगर एक्सेलरेशन ज्यादा लाना है तो फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब हम बोलेंगे कि F इज प्रोपोर्शनल टू A, मतलब A ज्यादा देना है तो F भी ज्यादा होगा, A कम देना है तो F भी कम होगा। इस रिलेशन को हम अनुक्रमानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं और इसे इस सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे फॉर कॉन्स्टेंट यम, फॉर कॉन्स्टेंट यम के लिए, अगर दोनों का यम सेम है तब स्टेटमेंट हमने दिया। इसका मतलब किसी बॉडी पर जो आप फोर्स लगाते हैं, जो फोर्स लगाते हैं, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है बॉडी में, दैट फोर्स इज आल्सो यम के भी प्रोपोर्शनल होता है और ए के भी प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को अगर हम कंबाइंड कर दें तो हम बोलेंगे एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम ए। दोनों को इकट्ठा लिखेंगे तो बोलेंगे एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम ए। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहां पर कोई कॉन्स्टेंट आएगा एम ए, वेयर के इज कॉन्स्टेंट, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, प्रयोगों के आधार पर के की वैल्यू 1 ली गई, ठीक है। तो जब के की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो एफ इज इक्वल टू बनेगा मास इनटू एक्सेलरेशन, वेरी पॉपुलर फार्मूला, ठीक है। द्रव्यमान गुणित त्वरण, जो बल होता है हमारा वह द्रव्यमान गुणित त्वरण के बराबर होता है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है तो हम इतना ना झोंक पाए अगर वहां पे, तो हम इतना बोल सकते हैं कि जो एफ बराबर एम इंटू ए होता है, दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए, जैसे कि अगर हमारे 9th में भी है और 11th में भी है, हमारा अगर 9th का बच्चा अगर किसी दूसरी बुक को देख रहा होगा तो कहेगा कि हमारा सेकेंड लॉ दूसरे फॉर्म में दिया हुआ है। तो मैं एक दूसरा फॉर्म आपको बताता हूं सेकेंड लॉ का, है यही, दोनों को एक दूसरे में दिखाया जा सकता है। 11th वालों को भी दोनों पढ़ना पड़ता है, एक कॉमन टॉपिक है 9th और 11th के लिए। अब देखें, जैसे मैंने इतना बताया कि F इज इक्वल टू एम ए, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ हुआ। हमें यह भी पढ़ाया गया है कि न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। डेल्टा पी है चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन। डेल्टा टी है टाइम इंटरवल, ओके। तो डेल्टा पी अपान डेल्टा टी को हम पढ़ते हैं संवेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष संवेग परिवर्तन की दर। अब आपके दिमाग में एक नई बात आ गई होगी कि संवेग क्या होता है, मोमेंटम क्या है। तो मोमेंटम जो है आपका, इसे मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मोमेंटम को अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास यम है और वह यू वेलोसिटी से मोशन में है, यू स्पीड से जा रहा है, तो यम और यू का जो प्रोडक्ट होता है, जो मल्टीप्लीकेशन होता है, उसे हम बोलते हैं मोमेंटम या संवेग बोलते हैं। तो एक सामान्य डिफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ए वाला न्यूटन का, ए वाला मतलब ये भी न्यूटन का सेकेंड लॉ है, ये भी है। अब ये कैसे हुआ, आइए आपको बताता हूं मैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो यू वेलोसिटी से अपने मोशन को स्टार्ट करता है, उस पर एक्सेलरेशन काम कर रहा है ए, एंड आफ्टर टाइम टी डेल्टा टी, एंड आफ्टर टाइम टी ले सकते हैं, लेकिन डेल्टा टी लाने के लिए मैं डेल्टा टी ले रहा हूं। यू स्पीड इनिशियल स्पीड है, वेलोसिटी है, और ए एक्सेलरेशन के साथ डेल्टा टी टाइम तक चलने के बाद उसकी वेलोसिटी वी हो जाती है और उसका मास है एम। अब जैसे आप बाइक बैठे हैं, एक्सेलरेशन ले रहे हैं, तो स्पीड तो बढ़ेगी ही, तो शुरू में यू थी, डेल्टा टी टाइम बाद वी हो गई। तो मैंने बोला कि एम इंटू यू को हम मोमेंटम बोलते हैं। तो ये हमारा पी वन है, इनिशियल मोमेंटम,
प्रारंभिक संवेग, बाद में वेग वी हो गया, तो ए हो गया आपका यमवी। यमवी मतलब फाइनल मोमेंटम, अंतिम संवेग। शुरू में संवेग था यम इंटू यू, बाद में संवेग हो गया यम इंटू वी। ठीक है, कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में। तब चेंज कितना आया? चेंज को हम दिखाते हैं डेल्टा पी से। पहले P1 था, फिर बाद में P2 हो गया, तो ये बन गया आपका P2 माइनस P1। ठीक है, ये आपका P2 माइनस P1 बना, तो ये आपका बना MV और ये बना आपका MU। तो ध्यान दें, ये जो MV माइनस MU लिखा है ना, यही MV माइनस MU जो है आपका चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम। अब इसे आप यहां पे रख दें। अब एक चीज हमें और समझनी है, हम फिर यहां पे आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट ने यू वेलोसिटी से अपना मोशन स्टार्ट किया, डेल्टा टी टाइम में उसकी वेलोसिटी वी हो गई, ठीक, और एक्सेलरेशन ये था। तो जो हमारे क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो आपको याद ही होगा। वी अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग, इन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम टी। लेकिन हमारा टाइम टी नहीं है, हमारा टाइम है डेल्टा टी। यू आप इधर उठा लाओ तो उधर प्लस में है, तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो ए इंटू डेल्टा टी। फिर ये डेल्टा टी आप नीचे उठा लाओ, तो ए जो है आपका वी माइनस यू अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू ए हो गया। तो हमने दो चीज ढूंढी कि वी माइनस यू अपान डेल्टा टी ए के इक्वल है, ठीक, और डेल्टा पी एम वी माइनस एम यू के इक्वल है। अब हम दोनों को यूज करने जा रहे हैं। जैसे हमारे हिसाब से न्यूटन का ए वाला लॉ सेकंड लॉ है, ठीक। अब देखिए, तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, जो ए है ना, ए की जगह इसको आप रखिए, ए की इतना वैल्यू निकाले हैं आप, तो वी माइनस यू अपान डेल्टा टी। तो एफ इज इक्वल टू एम को अंदर फिर ले जाइए, तो एम वी माइनस एम यू अपान डेल्टा टी, एम को दोनों को दे दिया। ए देखिए, ए वाला बन गया हमारा एम वी माइनस एम यू, इसकी जगह हम लिख देंगे डेल्टा पी। तो जहां पे एम वी माइनस एम यू लिखा है, यहां पे हम लिख देंगे डेल्टा पी, तो अपने आप ए वाला बन जाएगा, दिस वन, ए वाला अपने आप बन जाएगा। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ये भी है, सेकेंड लॉ ये भी है। आप ये बोल सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू एम ए, सेकेंड लॉ से आप ये बोल सकते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं, तो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब बाह्य बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, ठीक। तो अभी यहां पे जैसे कि इंपल्स एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसे हम यहां पढ़ सकते थे, लेकिन उसके लिए मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा, दोबारा इस पर थोड़ी सी चर्चा हो जाएगी। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ हमने क्या पढ़ा, कि जो किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, अनबैलेंस्ड, असंतुलित बाह्य बल, वह द्रव्यमान गुणित त्वरण, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, या अप्लाइड फोर्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, मतलब संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अब हम आ जाते हैं थर्ड लॉ पर, बहुत ही आसान सा है थर्ड लॉ, बहुत आसान, सभी को याद हो जाता है। न्यूटन कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। आप यूं समझो, जैसे कि आप किसी ग्लास की टेबल पे खड़े हो और आपका वजन ग्लास को दबा रहा है, ग्लास की टेबल को, तो ग्लास का जो टेबल है वो भी आपके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है ऊपर की ओर, यही रीजन है कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। अगर आपका फोर्स ज्यादा हो गया और उतना रिएक्शन नहीं लगा पाया, तो आप उसे तोड़ देंगे। तो इसी तरह से, जैसे कि हम फर्श पर नॉर्मली इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम फर्श पर, अर्थ पर हम फोर्स लगाते हैं, अर्थ भी हम पर फोर्स लगाती है। जितना फोर्स हमारे मास की वजह से अर्थ पर लगता है, अर्थ भी उतना रिएक्शन देती है, और इसी वजह से हम खड़े हैं, हम पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। अगर हमारा अकेले का फोर्स होता तो वह अर्थ को दबाते हुए नीचे चला जाता, हम मोशन में होते। लेकिन आप सोचो कि हमारा फोर्स अर्थ को दबा रहा है, लेकिन फिर भी हम मोशन नहीं आ रहा है हमें, इसका मतलब हम पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। अब जैसे अगर हम यहां पे हैं
यहां पे अगर हमारा वेट इसको दबा रहा है, तो अगर ये कहीं फोर्स काम कर रहा है तो आखिर हम मोशन में क्यों नहीं है? अगर हम मोशन में है, मोशन में होते, मतलब मोशन में तब होते जब हम पर रिजल्टेंट फोर्स होता। अगर हम मोशन में नहीं है इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। इसका मतलब एक फोर्स ऊपर और काम कर रहा है जो हमारे फोर्स के इक्वल है और उसके जस्ट अपोजिट है। तो हम पर अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, इसका मतलब R प्लस एम जी इक्वल टू जीरो, देन R इज इक्वल टू माइनस एम जी। तो अगर आप इसे F बोलेंगे, R इज इक्वल टू माइनस F है। इसका मतलब अगर यह ऑब्जेक्ट धरती पर, यह ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट, अर्थ का ऑब्जेक्ट ही है पहला वाला ऑब्जेक्ट, अगर दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पर यह फोर्स लगा रहा है तो दूसरा वाला पहले ऑब्जेक्ट पर भी यह फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। यही है न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट्स दैट इक्वल एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। न्यूटन्स लॉ को हम और थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, उसमें हम सेकेंड लॉ के जरिए फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू।